ये प्लेस बहुत ही ज्यादा शांत है एंड यहाँ पे देखो भाई। रुको रुको रुको, भाई मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस, जिसका डर था वही हुआ भाई। अभी बारिश बारिश देना स्टार्ट हो चुका है। ये व्यू चेक कर सकते हो भाई, ये पूरा होल गुवाहाटी का व्यू है। और यहाँ पे अभी और हम लोग नहीं है तो अंदर का व्यू दिखा नहीं सकते आप लोगों को। तो हम लोग अभी फिलहाल बैक साइड में आए, तो बैक साइड में कुछ ऐसा व्यू आता है, देख ही सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू आशु ब्लॉग, और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड पे। तो भाई अभी फिलहाल मैं हूँ बोरोली मुख पे, और यहाँ पे भाई अभी फिलहाल जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल आदाबाड़ी, बिकॉज वहाँ पे काम था कुछ, और वहाँ से अभी देखते हैं कि भाई क्या एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज वहाँ का एरिया में कुछ टेम्पल्स वगैरह है, तो वो एक्सप्लोर करने का सोच रहा हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, और वहाँ पे भाई मेरा मतलब रिलेटिव्स का भी घर है, तो वहाँ पे जाएंगे कुछ काम करके, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करना होगा तो एक्सप्लोर भी करेंगे। तो बने रहना ब्लॉग पे, अभी चलते आदाबाड़ी, फिर वहाँ से ब्लॉग देखने मिलेगा आपको। तो बस आज है संडे, और तो बस आप लोगों को पता ही था कि हम लोग मतलब संडे राइड करते हैं, बट आज नहीं हो पाया बिकॉज आज बहुत सारा काम है मेरे को। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं हम लोग आदाबाड़ी, तो आदाबाड़ी पे कुछ काम है, फिर वहाँ पर आदाबाड़ी जाके देखते हैं, और वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करना रहेगा वो मैं एक्सप्लोर कर ही दूंगा। तो फिलहाल अभी तो देख ही सकते हो भाई व्यू कितना अच्छा आ रहा होगा सामने का, और ये मेरे को बहुत ही अच्छा प्लेस लगता है कामाख्या का, बिकॉज यहाँ पे भाई रास्ता वगैरह पूरा सीधा है एंड दोनों तरफ पेड़ वगैरह है भाई, और यहाँ पे अपना बेगो पुल ऑन एग्रेशन में जाते हुए भाई। गाइज हम लोग अभी फिलहाल पहुंचने ही वाले हैं, और गाइज और एक बात बोलना था आप लोगों से, भाई मेरा मोनेटाइजेशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए मेरे को भाई। चैनल पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूस्ट मिला ही हुआ है, बट और थोड़ा बूस्ट चाहिए आप लोगों से। तो भाई वीडियो को देखते हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, वो लोग को भी बताओ कि भाई बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ मैं एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ भाई। तो फिलहाल चलते हैं भाई, और देखते हैं कि आज क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। सो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं, और जो काम था वो फाइनली हो चुका है, और फिलहाल अभी हम लोग घाट। सो गाइस, अभी फिलहाल है हम लोग है पांडू घाट पे, और वहाँ पे है पांडू पोर्ट घाट, और वहाँ पे देख सकते हो भाई अमीन गाँव का वो ब्रिज, एंड हम लोग सोच रहे हैं जाने का पंच पांडव जो कि हिस्टोरिक टेम्पल है, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे आज। तो वहाँ पे है भाई पंच पांडव, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, तो लोकेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट मी टेल यू गाइस, अभी फिलहाल हम लोग पहुँचे कुछ इस तरीके से जगह में, और यहाँ पे एक छोटा सा डैम है देख सकते हो भाई, और पंच पांडव जो टेम्पल है वो दिस वे जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो इस साइड चलेंगे, और ऊपर में भाई एक आश्रम भी है तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस पहले चलते हैं पंच पांडव टेम्पल, फिर देखते हैं अगर टाइम मिला तो फिर आश्रम भी दिखाएंगे आपको, और आश्रम में थोड़ा मतलब ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तो ट्रैकिंग का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी फटाफट। अभी फिलहाल अंदर जा नहीं सकते बिकॉज अंदर में कैमरा एंड वीडियोग्राफी भाई अलाउ नहीं है, तो अंदर का व्यू दिखा नहीं सकते आप लोगों को। तो हम लोग अभी फिलहाल बैक साइड में आए, तो बैक साइड में कुछ ऐसा व्यू आता है, देख ही सकते हो। और गाइस ये है भाई जो टेंपल मैं बोल रहा था हिस्टोरिक टेंपल, तो ये है भाई, और यहाँ टेंपल वगैरह है, तो अभी अंदर तो जा नहीं सकते। तो गाइस बाहर से देख लिया आप लोगों ने, तो अभी चलते हैं थोड़ा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद आश्रम का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। और ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा बिकॉज वैसे तो मैं सोच के नहीं आया था कि आज व्लॉग बनाना है रेगुलर डालने के लिए, इसीलिए भाई हर एक कंटेंट मैं बना रहा हूँ और एंड कवर करने का सोच रहा हूँ। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आश्रम पे, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स वगैरह है, और ऊपर में थोड़ा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा आता है आश्रम का,
तो वहाँ से पूरा व्यू दिखाएंगे आप लोगों को, तो बने रहना ब्लॉग पे। अभी फिलहाल थोड़ा ट्रेकिंग कर लेते हैं हम लोग। और गाइस यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड तो देख ही सकते हो, तो एक्सटर्नल म्यूजिक डालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह का साउंड सुनो भाई, शांत होके एकदम। सो गाइस आई थिंक ये वो एक होता है ना इंसेक्ट क्रिकेट, तो उसका साउंड है शायद ये वाला। तो और गाइस ये साउंड थोड़ा नॉइजी टाइप का है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आश्रम पे, और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये चेक कर सकते हो भाई, यहाँ से पूरा पांडू पोर्ट का जितना भी एरिया है वो पूरा कवर हो जाता है। तो ये व्यू है, और आश्रम देख सकते हो, ये है आश्रम। और ये भाई लोकेशन है इसका, पांच पांडव जो टेंपल है उसके साइड में एक रास्ता जाता है थोड़ा अप करके स्टेयर्स वगैरह, तो वो रास्ता से आप सीधा जाओगे तो ये वाला मिल जाएगा आश्रम आपको। बस देख सकते हो ये है आश्रम, एंड यहाँ पे चेक करो भाई। सो गाइस ये है नाम घर, देख ही सकते हो, और यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो ये चेक करो भाई, ये 1923 का है, तो बहुत ही हिस्टोरिक मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना नाम घर है ये वाला। तो अभी फिलहाल बंद होगा नाम घर, बिकॉज हम लोग को जाना भी है, और शाम को बंद भी होगा नाम घर। तो अभी चलते हैं भाई घर। सो लेट मी टेल यू गाइस, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड के घर, और वो वाला जो सीन देखा तो वहाँ से हम लोग आ चुके थे, आके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भाई वीडियो शूट करने का मन नहीं किया। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कैमरा लेने, जो कि फ्रेंड के घर पे है, तो वो कैमरा लेके हम लोग शायद फोटो शूट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट ब्लॉग शायद फोटो शूट के ऊपर आएगा, बिकॉज बिहू आ रहा है, तो बिहू के लिए थोड़ा बहुत फोटो शूट करेंगे। और हाँ गाइज, आप भी अगर फोटो शूट करना चाहते हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर स्क्रीन पे आ ही रहा होगा आशू ब्लॉग्स, जाओ जाके फॉलो कर लो और DM करो अगर आप भी हम लोगों के साथ फोटोशूट करना चाहते हैं। चलते हैं फ्रेंड के घर, कैमरा वगैरह सब लेके आते हैं। हेलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग हैं तीन झंडी के जो माउंटेन वहाँ पे हिल पे जा रहे हैं, और गाइस मेरा फ्रेंड का जो घर है वो यही साइड में है। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत बारिश भी देना स्टार्ट हो चुका है, तो क्या पता भाई बारिश वगैरह दे दिया तो आपको रेन ही वाला मोटो ब्लॉग देखने मिलेगा भाई। फिलहाल हम लोग है तीन झंडी टेम्पल के हिल पे, और इसका तो व्लॉग आप लोगों ने सेपरेटली देख ही लिया होगा, मैंने सेपरेटली इसका व्लॉग बना ही दिया है चैनल पे, तो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो। और गाइस ये प्लेस बहुत ही ज्यादा शांत है, एंड यहाँ पे देखो भाई, तो बस यहाँ पे जब भी आना भाई टर्निंग बहुत ही स्लोली स्लोली लेना, बिकॉज यहाँ पे जो सामने से व्हीकल वगैरह आता है ना भाई पता नहीं चलता, बिकॉज बहुत ज्यादा कर्व है। और आगे का जो व्हील है वो थोड़ा अप हो रहा है, बिकॉज पीछे बैक साइड में प्रेशर पड़ रहा है ना बहुत ज्यादा, तो इसके लिए आई होप कि ये उठ जाए भाई। ओ भाई तो रोड थोड़ा वो था प्रॉब्लम, इसीलिए मैं नहीं ले जा पाया, वरना टायर का जो हालत खराब हो जाता। और यहाँ से व्यू जो है ना बहुत ही मस्त दिखता है भाई ऊपर से। तो इस ब्लॉग में तो मैं ज्यादा इसको कवर करूंगा नहीं, बिकॉज अभी फ्रेंड के घर जाना है, लेट वगैरह हो जाएंगे बाद में अगर ये सब कवर कर लिया तो। फटाफट चलते हैं अभी फ्रेंड के घर, फिर वहाँ का क्या सीन है वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम लोगों ने बेबो को वहाँ पे पार्क कर दिया, और यहाँ पे चढ़ान देखो भाई कितना दूर है भाई, बहुत ही अंदर तक जाना पड़ता है, तो पता नहीं भाई। और यहाँ से 600 मीटर हम लोगों को चल के जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे गाड़ी वगैरह जाएगा नहीं, और यहाँ से तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा जाने में, तो चलते हैं फटाफट। वैसे एनर्जी तो पूरा डाउन होके रखा हुआ है ऑलरेडी, और उसको चेक करो भाई, वो तो पूरा लगाए हुआ है अपना स्टोरी वगैरह डालने में, ठीक है कि नहीं। तो वो जो लाइट जल रहा है देख सकते हो भाई, वो है बरसापारा का स्टेडियम, जो कि यहाँ से पूरा प्रॉपरली दिखता है। तो गाइस अभी एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाने वाला हूँ,
ये व्यू चेक कर सकते हो भाई, ये पूरा होल गुवाहाटी का व्यू है। और यहाँ पे अभी और हम लोगों को जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट अभी 300 मीटर है यहाँ से, ज्यादा दूर है नहीं भाई। सो गाइस, जिसका डर था वही हुआ भाई, अभी बारिश देना स्टार्ट हो चुका है, फिर भी भीग के जा रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट थोड़ा दूर है, ज्यादा दूर है नहीं, तो चलते हैं भाई फटाफट। सो गाइस, अभी देख सकते हो भाई अभी रात हो चुका है भाई, और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मोमो खाने, बिकॉज मोमो घर जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं भाई मोमो घर, फिर ब्लॉग को भी एंड करेंगे, तो बने रहना भाई ब्लॉग पे। तो गाइस अभी फिलहाल जा रहे हैं घर और मोमो वगैरह सब खा लिए, तो अभी फिलहाल। और गाइस मोनेटाइजेशन कंप्लीट होने वाला है, तो प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, और आई होप कि फटाफट कंप्लीट हो जाए मोनेटाइजेशन, उसके बाद हम लोग और रेगुलर होना स्टार्ट कर देंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड ऑलवेज ड्रीम हाई एंड फ्लाई।